तो गाइज रोमन रेंस ने अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हुए एक बेबी फेस प्रोमो कट किया, साथ ही उन्होंने फैंस से रिक्वेस्ट की कि उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाले। तो गाइज हाल ही में WWE का सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो देखने को मिला पेंसिल्वेनिया में, जहां पर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हुए नजर आए। जैसे कि रोमन रेंस इस वक्त के सबसे डोमिनेंट सुपरस्टार हैं WWE में, और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में यहां पर उनका मुकाबला ड्रू मैकइंटायर के साथ WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए देखने को मिला। इस मेन इवेंट मुकाबले में रोमन रेंस ने स्कॉटिश वॉरियर को हराते हुए एक बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद वह एक बेबी फेस प्रोमो कट करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने अपना हील वाला कैरेक्टर ब्रेक किया। साथ ही उन्होंने फैंस से रिक्वेस्ट की कि उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाले। जैसे कि रोमन रेंस अपने हील वाले कैरेक्टर के साथ पेबैक 2020 में द फिंड और ब्रोन स्ट्रोमन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, और उसके बाद से ही पॉल हेमन उनके साथ हैं और वे लगातार एक हील का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उन्हें इस वक्त WWE में सबसे बड़ा हील माना जा रहा है। लेकिन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट शो में रोमन रेंस अपना हील वाला कैरेक्टर ब्रेक करते हुए नजर आए और एक बेबी फेस की तरह प्रोमो कट किया, जहां पर उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं शील्ड के ब्रेक होने के बाद से ही एक हील बनना चाहता था, मुझे नहीं लगता था कि मैं बेबी फेस के तौर पर एक सही बंदा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक हील बनने का मौका नहीं मिला और सेथ रोलिंस पहले हील बने थे और उसके बाद मैं अब हील बना हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने मुझे अभी तक इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि उनका यह बेबी फेस वाला प्रोमो इंटरनेट पर अपलोड ना करें। तो गाइज क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद। Thank you.